welcome to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand, and in this video, we will going to start with our first chapter of class 12th accountancy. हमारी एक थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस करके, उसका मैं आज फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ और मैं ये बुक पूरी आपको विद इन 30 डेज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगी. जो बच्चे बहुत सालों साल पढ़ते रहते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक, तो मेरे वीडियोज देखिए, हर रोज आपके लिए वीडियोज अपलोड होंगी एंड 30 डेज के बाद आपको ये पूरी बुक बहुत अच्छे से हो जाएगी. लगभग 20 मार्क की आता है इसमें से पेपर आपका बोर्ड एग्जाम. तो मैं आज सबसे पहले स्टार्ट करूंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वैसे तो इस बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया है, अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में भी है, एंड देन फाइनली वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. बट उससे पहले आपको बेस क्लियर होना जरूरी है कि एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है. उनके फॉर्मेट पढ़ेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद हम अकाउंटिंग रेशियोज एंड देन फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में जाकर पढ़ेंगे. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या पर्पस है, क्यों अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. सबसे सिंपल बात, टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एनी कंपनी. फाइनेंशियल पोजिशन मैंने अब बोल दिया है, किससे पता चलेगी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? नंबर वन इज योर बैलेंस शीट. सबसे पहली चीज इंक्लूड होती है बैलेंस शीट. उसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है. ये सब हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही हम पता चलता है हमें कंपनी में कि वेदर द कंपनी हैज अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस. देन हम उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बेसिस पे फाइनली ईयर एंड पे बनते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये तो आप सबको पता होगा. नेक्स्ट वी मेक नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट होते हैं. ये नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे कुछ नोट्स होते हैं जो हम एक्चुअली में पूरे डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं दे सकते ना. प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में तो सिर्फ अमाउंट जाता है, नाम जाती है, हेडिंग जाती है और अमाउंट जाता है. बट किस तरीके से वो अमाउंट आया है वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं. देन वी फाइनली वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. तो हम अभी के लिए इस चैप्टर में बस हम इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे और मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपको एंड में जाके करवाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर बैलेंस शीट फर्स्ट. मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताऊंगी एंड गाइस प्लीज अच्छे से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंस शीट. सबसे पहली चीज, बैलेंस शीट हमारी ईयर एंड में बनती है. यस और नो, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है. एंड मैं अब आपको ये बता दूं कि बैलेंस शीट में क्या आइटम्स, कौन सी लाइन आइटम्स आपकी बुक में ये वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूडेड होती हैं, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये हमें कहां से पता चला. ये हमें पता चला पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. हमारा एक कंपनीज एक्ट है 2013 जिसमें हमारे सारे रूल्स लिखे हैं, सारे नॉर्म्स लिखे हैं, सारी लीगल चीजें लिखी हैं कि किस तरीके से हमें बैलेंस शीट की फॉर्मेट बनाना है. पूरी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन लिखी है उसमें. तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 बना रहे हैं हम बैलेंस शीट के, उसके बेसिस पे ही हम ये आइटम्स लिख रहे हैं किस कहां पे एसेट्स है, कहां पे लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में क्या क्या आइटम्स आएंगी, वो सब चीजें डिटेल में हमें पार्ट 1 ऑफ सेक्शन शेड्यूल 3 में बताया गया है. तो सबसे पहली चीज आपको ये तो पता ही है, बैलेंस शीट में हमारे पास दो चीजें होती हैं, लाइबिलिटीज एंड देन वी हैव एसेट्स. ओके, बट आपने ये 11th में पढ़ा कि लाइबिलिटीज एंड एसेट्स होते हैं, बट यहां मैं आपको बोलूंगी कि यहां लाइबिलिटीज के साथ हमारे पास इक्विटी भी होगी. What do you mean by equity? हम liabilities के साथ अपना capital रखते थे. Capital क्या होता था? जो एक owner अपना fund लगाता था for the purpose of running the business. Yes or no? तो वो capital एक liability होती थी company के लिए. क्यों भाई? क्योंकि एक company और एक owner जो है एक separate है. तभी हम हमेशा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करते थे हम. Why? Because we assume and it is said that a company is altogether a separate entity
अपार्ट फ्रॉम उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ओनर्स के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है. तो कोई भी कैपिटल होता था वो हम लायबिलिटी साइड में लगाते थे. अब मैं यहाँ पे बात करूंगी, जब बहुत सारे लोग कैपिटल लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जहां पे बहुत सारे लोग मिलके पैसा लगा रहे हैं बाय वे ऑफ शेयर्स. शेयर मींस कि पैसा, बहुत सारे लोगों का पैसा लग रहा है. तो उन पैसों को बेसिकली कहा जाता है इक्विटी. हम यहाँ पे कैपिटल नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इक्विटी. कैसे इक्विटी आएगा कंपनी के पास? कंपनी जब अपने शेयर्स निकालेगी, अपनी कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी, तो जितने भी लोग होंगे, जनता होएगी जिनको शेयर्स इशू कर रही है, जितने भी लोग शेयर्स को खरीदेंगे तो वो पैसे देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं. दैट इज व्हाई द इक्विटी प्लस लायबिलिटी सेट, दैट इक्विटी प्लस लायबिलिटी इस साइड आता है लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन राइट हैंड साइड आता है हमारा एसेट्स. तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इक्विटी प्लस लायबिलिटीज में क्या क्या आइटम्स हैं. बहुत ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं चाहती हूं कि आपके एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए. तो इसलिए आई वॉन्ट यू ऑल टू लिसन वेरी केयरफुली. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इक्विटी एंड लायबिलिटी फर्स्ट. अभी मैं इसको रफ कर देती हूँ. ओके, मैंने बोला कि इक्विटी एंड लायबिलिटी बोलते हैं लायबिलिटी साइड को, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. ठीक है, सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड का क्या मतलब है? शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है शेयर होल्डर्स का पैसा, जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उनका फंड लायबिलिटी होगी कंपनी के लिए. और क्यों होगी? क्योंकि मैंने समझा दिया कि वो दोनों सेपरेट होते हैं, ओनर एंड कंपनी. ओके, इसका सब हेड आएगा शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल मींस, यहाँ पे शेयर कैपिटल क्यों आया है? क्योंकि बहुत लोगों से हमने पैसा लिया है, बहुत लोगों ने कंपनी पे इन्वेस्ट किया है या शेयर्स कंपनी के खरीदे हुए हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल में भी हमारे दो तरीके के क्लासेस होते हैं. आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो वो क्लासेस को हम लिखते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल में, डिफाइन करते हैं कि वेदर इट्स एन इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और जो उसकी डिटेल है वो हम लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में. मैंने आपको बताया था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट होता है. तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट्स में ही जाएगी. नेक्स्ट, मैं आपको ये बता दूं इसमें कि शेयर कैपिटल के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको डिटेल बाद में समझाऊंगी. बट अभी के लिए आप जान रहे हो, इसमें एक ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, इश्यूड कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है. इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट अभी के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सारी जो टाइप्स है, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और ये ऑथराइज्ड, ये सब कैपिटल हम यहाँ नहीं शो करते स्पेसिफिकली. व्हाई? बिकॉज वी इंक्लूड ऑल द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इन द नोट्स टू अकाउंट्स. हम नोट्स टू अकाउंट्स में ही लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आ जाती है. ओके, नंबर वन हो गया शेयर कैपिटल. डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं. देन वी हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या होता है? जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस हमें प्रॉफिट में से मिला है, अब भैया प्रॉफिट कमाया, पैसा लगाया ओनर ने, प्रॉफिट किसके पास जाएगा? ओनर के पास. तो एक तरीके की कंपनी के लिए भी एक लायबिलिटी हो गई टुवर्ड्स इट्स ओनर. तो रिजर्व्स में बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है, बहुत सारे एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं जो हम इन सब चीजों में इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट, थर्ड वी हैव मनी received against share warrants. ये भी short term के लिए होते हैं और यहाँ पे company को पैसा मिलता है against share warrants. Share warrants इसलिए कहा जाता है कि basically it is a type of shares only, but ये बस short term के लिए होता है कि जहाँ पे company पैसा ले रही है. Next, अब shareholders fund में आ गए ये तीनों headings. अब B part में हो जाता है application received pending allotment.
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन का मनी मिल गया मुझे मार्च में, लेट्स से मेरे को फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मिला, बट मेरे को अलॉटमेंट करनी है उनको एक महीने बाद, बट मेरे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने हैं 31 मार्च में, तो मैं वहां पे लिख दूंगी कि मुझे कुछ पैसों का एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है बट मुझे अभी उनको शेयर्स अलॉट करना है. तो इसलिए हेडिंग आ जाती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट पेंडिंग अलॉटमेंट. फाइनली वी हैव सी पार्ट में नॉन करेंट लाइबिलिटीज and then we have current liabilities. Non-current और current liabilities बहुत simple है. इसमें अगर आपको operating cycle के बारे में बताऊं, operating cycle अगर अभी मैं operating cycle के बारे में बताऊंगी, बस आप अभी ये सोच लो कि जिसमें भी payment operating cycle के within हो रही है वो current liabilities में आता है, और अगर operating cycle के बाद payment कर रहे हैं तो वो आ जाता है नॉन करेंट लायबिलिटी में. विद इन ऑपरेटिंग साइकिल एंड अगर आउटसाइड ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें आ जाता है नॉन करेंट लायबिलिटीज में. तो लेट्स रिवाइज वंस अगेन. हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, इसमें पहला हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, देन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, देन वी हैव नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड देन वी हैव करेंट लाइबिलिटीज. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मैं नेक्स्ट वीडियो में, आज डे वन ही है हमारा, डे वन में ही हम करेंट और नॉन करेंट लाइबिलिटीज को डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं आपको आज ही, बहुत ही सिंपल है. एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट शेयर कैपिटल. ये तीनों चीजें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू